दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली है वो हमारी एक DOB और इस प्रकार का जो MCPS भी आता है, जो हमारा ड्राइवर सर्किट से चलता है, उस पर होने वाली है। यानी दोस्तों कि हम DOB को कहाँ पर लगाएं और इस MCPS को कहाँ पर लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, आप वीडियो को फुल वॉच करिए, बहुत ही दोस्तों आपको नॉलेज मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको पूरा हम समझाने की कोशिश करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा DOB होता है यानी ड्राइवर ऑन बोर्ड, देखिए DOB बोले तो ड्राइवर ऑन बोर्ड, तो जो हमारा DOB होता है, देखिए इसी प्रकार से हमारा इसमें 2 DOB, पहले समझिए कि हमारा 2 DOB है, आप इसको एक मत समझिएगा। देखिए इस प्रकार से हमारा ए यहाँ से ज्वाइंट है, तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल 2 है। तो देखिए जो DOB होता है, यहाँ पर हमारा फेस न्यूट्रल से चल जाता है। मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा एक पॉइंट यहाँ पर दिया है और एक हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा L और N करके दिया है। तो फेस न्यूट्रल से यहाँ से हमारा जो सप्लाई आता है, तो इससे हमारा DOB अच्छे से चल जाता है। यानी हम यहीं पर सप्लाई देते हैं, चल जाता है। लेकिन MCPS बात करें तो यहाँ पर देखिए प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट। अब इसको चलाने के लिए, जो हमारा MCPS देखिए, इसको जलाने के लिए हमको एक ड्राइवर सर्किट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा जो ड्राइवर सर्किट है, हमारा 9 वाट 15 वाट जो भी दोस्तों है, वो हमको इस MCPS को जलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अब क्या करता है ड्राइवर सर्किट। ड्राइवर सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे जो वोल्टेज होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक हमारा कैपेसिटर और पीएफ कैपेसिटर रेजिस्टेंस और यहाँ पर इंडक्टर क्वाइल। तो इस ड्राइवर सर्किट में इतने सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। अब देखिए हमको DOB कहाँ पर लगाना चाहिए और इसको कहाँ पर लगाना चाहिए। देखिए DOB हमारा जो होता है, ये दोस्तों जहाँ पर वोल्टेज हमारा 220 या 250 या 180 तक मिलता है, तहाँ पर आप DOB अगर लगाते हैं तो आपको DOB का जो दोस्तों ब्राइटनेस है वो आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो DOB है वो ज़्यादा लाइट में जलता है। और इस MCPS और इस ड्राइवर सर्किट की बात करें तो इसको आप 90 से दोस्तों लेकर के 250-300 तक दे देते हैं, तभी दोस्तों ये हमारा अच्छे से वर्क करता है। लेकिन DOB की बात करें तो आप इसको दोस्तों 100 वोल्ट अगर दे देंगे तो आपका DOB नहीं जलेगा, सिर्फ दोस्तों ब्लिंकिंग करेगा। तो आप DOB उस जगह लगा सकते हैं जहां पर दोस्तों वोल्टेज मिलता हो, यानी 200 प्लस अगर वोल्टेज है तब आप दोस्तों DOB को लगाइए। आपका DOB दोस्तों 100% अच्छा खासा रोशनी में ग्लो होगा, यानी इसका जो ब्राइटनेस है आपको फुल ब्राइटनेस मिलेगा। और इस MCPS की बात करें तो अगर आप इस ड्राइवर सर्किट से अगर लो वोल्टेज में भी जलाते हैं तो आपको ब्राइटनेस फुल मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस ड्राइवर सर्किट में जो भी कैपेसिटर लगा रहता है, जो भी हमारे IC रेक्टिफायर, तो ये हमारे वोल्टेज को बूस्ट करते हैं और दोस्तों जो हमारा फ्लक्चुएशन होता है उसको वह नियंत्रण कर लेता है। जो हमारा इंडक्टर कॉइल कैपेसिटर लगा रहता है तो उस फ्लक्चुएशन के हमारे दोस्तों यहाँ पर जो भी कंपोनेंट लगाते हैं। तो यही दोस्तों छोटा सा वीडियो था कि आप DOB और इस MCPS के उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों छोटा सा वीडियो था कि आप DOB को उस जगह यूज करिए जहाँ पर वोल्टेज आपको बढ़िया मिले, यानी 200 प्लस मिल रहा है तो उस जगह आप DOB लगाइए, आपका DOB जो ब्राइटनेस उसका फुल मिलेगा। और इसकी बात करें तो दोस्तों इसका लाइफ अच्छा खासा है, यानी ये हमारा लंबे समय तक चलता है DOB की दोस्तों, नो वारंटी। और इसकी बोले तो दोस्तों यह जल्दी हमारा ख़राब नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा डायरेक्ट नहीं चलता है, इस ड्राइवर सर्किट से ही चलता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।